हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम खेल रहे हैं ऑटो राजा। जैसे आप सामने देख सकते हो, मेरे यूट्यूब कमेंट पे एक बंदे ने कमेंट किया था ऑटो राजा करके, उन्होंने गेम बनाया है। उसने बोला कि यार वेब बिल्ड आप ट्राई करना चाहोगे क्या। उसने itch.io के ऊपर डाला है, वीके सैम हिट्स ने, एंड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। वेलकम टू ऑटो राजा, रियल टाइम मल्टीप्लेयर गेम वेयर योर गोल इज टू पिकअप द हाइएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर टू योर ऑटो टू बिकम द ऑटो राजा किंग ऑफ द गेम। सो देखते हैं दोस्तों किंग बन पाते हैं या नहीं। यहाँ पे मैं नीचे देख रहा हूँ, यहाँ पे इनका गेम गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, बट आज मैं वेब बिल्ड ट्राई करने वाला हूँ। पर एनी विच वेज, अगर आपको इस गेम को ट्राई करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एंड्रॉयड और वेब बिल्ड दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी, तो देख लीजिए यहाँ पे। और सामने आप देख सकते हो, इस गेम को खेलने के लिए आपको प्री रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, आपको प्री रजिस्टर करना पड़ेगा तभी आप जाके इसको गेम को खेल पाओगे। यहाँ पे एक वीडियो भी है, बट मैं वीडियो प्ले नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वेब बिल्ड खेलने के लिए है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं रन गेम, और अभी गेम लोड हो रहा है। सो दोस्तों गेम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे लोड होने में टाइम लग गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा गेम दिख रहा है। मेन्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है और आप देख सकते हो ऊपर विंडो के टाइटल में यहाँ पे लिखा है ऑटो राजा बीटा बाय वीके सैमहित। सो ये गेम का बीटा वर्जन है, ये फाइनल वर्जन नहीं है। इसमें काफ़ी सारे और इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं, हो सकता है इसमें बग्स हो, पता नहीं। बट यार मेरे को ओवरऑल ये आर्ट वर्क देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक इंडियन टाइप फीलिंग आ रही है यार। रिक्शा के ऊपर गेम बना है तो यार पर्सनली मेरा एक अटैचमेंट रहेगा ही इसमें, क्योंकि यार इंडियन गेम है। सो देखते हैं कैसे इसको स्टार्ट करना है। क्विक गेम, ज्वाइन अ रैंडम रूम, प्राइवेट गेम, एंटर रूम नेम टू क्रिएट और ज्वाइन अ रूम, और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रैक्टिस गेम, प्रैक्टिस विद बॉट्स। शॉप का यहाँ पे एक ऑप्शन है, अलग अलग टाइप के रिक्शाज हैं यहाँ पे देख सकते हो। मुंबई में तो हमारी ये वाली रिक्शा रहती है, येलो और ब्लैक वाली, ये वाली शायद दूसरे साइड रहती है। ये वाली जो रिक्शा है मोर और लेस दिल्ली साइड की लग रही है। ये क्या है, ये तो एकदम अच्छा, ये बाहर वाली रिक्शा है। अच्छा ये सो इतनी सारी रिक्शा है, चार टाइप की रिक्शा है दोस्तों इसमें। मेरे को पसंद है ये वाली रिक्शा क्योंकि ये मुंबई वाली जैसी दिख रही है। एनीवे देखते हैं प्रैक्टिस गेम, प्रैक्टिस विद बॉट्स, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पहले कि कैसे खेला जाएगा। सेटिंग्स देखते हैं पहले, सेटिंग्स यहाँ पे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, निखिल मलंकर। अच्छा इतना ही है तो मैं शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ, मैं एमएलएन के आर। हाई ग्राफिक्स देखेंगे ना यार। ओके चलो प्रैक्टिस गेम, प्रैक्टिस विद बॉट्स स्टार्ट। लोडिंग ऑटो राजा, गेम का नाम बहुत बढ़िया है। कैसे कीबोर्ड से करना? ओके 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 ओके, देखते हैं क्या करना है इसमें, कंट्रोल्स कैसे रहेंगे इसके पता नहीं। ओके बढ़िया है, ये अच्छा लगा मेरे को। जैसे वो बिल्डिंग के साइड में जा रहा है वहाँ पे वो बिल्डिंग थोड़ी लाइट हो जाती है। इसके कंट्रोल्स थोड़े से मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। इसके कंट्रोल्स अच्छे होते अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन को हमेशा कंसिडर करते ऑन फ्रंट एरो की। पता नहीं इसके अंदर, अच्छा ओ ये शूटिंग वाला सीन है। ओके ओके ओके, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, मैं माउस के बिना खेल रहा हूँ इसलिए। आई गेस माउस के साथ खेलूंगा तो बेटर होगा। मैं एक मिनट माउस निकाल देता हूँ। सो माउस लगा रहा हूँ दोस्तों, मेरी रिक्शा को मार पड़ रही है बट मैं माउस लगा के अभी खेलूंगा। ओके अभी माउस आ गया, अभी शायद अच्छा होगा अपना गेम प्ले। सो दोस्तों ये गेम को अगर आप पीसी पे खेल रहे हो, वेब बिल्ड खेल रहे हो, तो माउस के साथ खेलो इसको, वरना आपको बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। देखते हैं यार प्रैक्टिस विद बॉट्स, वहाँ पे एक रिक्शा दिखी, देखते हैं वहाँ पे। चलो इसको मारो इसको मारो, हाँ ये ले ये ले ले, हाँ मार दिया। थोड़ा सा लैग हो रहा है मेरे इस पे, शायद मैं हाई ग्राफिक्स पे रखा हूँ इसलिए, और मैं खेल रहा हूँ अभी मैकबुक के ऊपर तो पता नहीं यार थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस पूरी पे नहीं चल रहा है। तीन लोगों को ब्लास्ट किया अपन ने अब तक, और इसमें कैसा ना
एक चीज मेरे को ऐसा लगी कि यार मैं अगर की छोड़ दिया मैंने तो फट से रिक्शा रुक जाती है। ओके मेरे अभी 4 स्कोर हुआ है। सो अगर मैंने की छोड़ दी तो यार फट से रुकनी नहीं चाहिए रिक्शा। ओके हाईवे पे आ गए हम। ये क्या है, हमने इंसान को उड़ा दिया क्या यार? अचानक से सलमान वाली रिक्शा बन गई क्या? ओके हाईवे, अरे मैं वहां पे चले जाता हूँ। ओ तेरी, इसको ब्लास्ट करो। टीम ग्रीन विंस। मैं कौन सी टीम में था? ओके यहाँ पे ये कुछ स्कोर बोर्ड दिखा रहा है प्लेयर्स। निखिल मलंकर का 4 स्कोर और 4 राइडर्स थे। यू वन 40 कॉइंस, 40 कॉइंस मिले हैं। बॉट वाला एग्जिट करके अभी क्विक गेम देखते देखते कोई गेम अवेलेबल है या नहीं। स्टार्ट, कोई खेल रहा है क्या ऑटो राजा? ओके सेशन मिल गया अपने को। अभी परफॉर्मेंस मेरे को थोड़ा सा अच्छा दे रहा है। यहाँ पे देखते कोई है क्या। इसको मैं पहले हेल्थ बार ले लेता हूँ। कौन है कोई है क्या भाई? सेशन में कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे मुझे 4 स्कोर्स दिख रहे हैं। कुछ तो मैंने उठा लिया। कौन है भाई? कोई तो दिखो। किधर गए भाई सब लोग? डर के भाग गए लगते हैं। रुको एस्केप दबाते हैं और डिस्कनेक्ट। आई थिंक अभी फ़िलहाल बॉट्स के साथ ही खेलना बराबर रहेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई दिखे नहीं। प्रैक्टिस गेम विद बॉट्स, प्राइवेट गेम तो नहीं है। ठीक है चलो बॉट्स के साथ ही खेल लेते हैं। सो अभी यहाँ पे इसमें मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरी टीम कौन सी है यार। इसको मैं, अच्छा वो मेरी टीम के अंदर था। ओके आई गेस वो मेरी टीम के अंदर था बट इसमें मेरे को अच्छा ये भाई मज़ेदार तो है ये गेम, ज़रूर मज़ेदार है बट क्या कंट्रोल्स थोड़े मेरे को डिफिकल्ट लगे शायद। ए भाई आ जा भाई, ये कुछ तो उठाने के लिए था वहाँ पे। इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़े कंट्रोल्स बेटर किए जा सकते हैं। जैसे रिक्शा जो है वो वही डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है। तो बेसिकली लाइक फ्रंट एरो की अगर मैंने दबा दिया, इसमें अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट एरो दबाया दिया तो रिक्शा लेफ्ट में जा रही है, नीचे दबाया तो नीचे जा रही है, राइट दबाया तो राइट जा रही है और स्ट्रेट दबाया तो ऊपर जा रही है। उससे बेटर ये रहेगा कि अगर, अच्छा ये मेरी टीम वाली थी, उससे बेटर ये रहेगा कि अगर मैं फ्रंट एरो की दबाऊँ सो फ्रंट एरो की पे रिक्शा एक्सेलरेट होगी और राइट और लेफ्ट पे डायरेक्शन होगा। आई गेस वो मेरे हिसाब से बेटर कंट्रोल्स होंगे बट आई थिंक डेवलपर ने उसके बारे में कुछ सोचा होगा, उसके कुछ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स रहेंगे शायद, उस हिसाब से उसने कंट्रोल्स अलग बनाए हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर कंट्रोल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव किया ये गेम काफ़ी अच्छा गेम प्ले हो सकता है इसका। इनफैक्ट गेम प्ले तो सेट है इसका, सिर्फ मेरे को कंट्रोल्स में थोड़ा सा पंगा लगा। ओके दो ब्लास्ट किए हमने, उसको भी ब्लास्ट करना है। अरे भाई 3 ब्लास्ट किए हैं, कहाँ पे गायब हो गया वो? भाई कहाँ पे है? छह लोग को उठाया है हमने। और इसको भी मारने, 4 लोग को उड़ा दिया यार। मेरा सबसे कम स्कोर है, 5 को उड़ा दिया मैंने अभी। छह उड़ा दिए, किधर क्या भाई? वो शील्ड मिल गया मेरे को, शील्ड ले लिया मैंने। और यहाँ पे क्या है?
हाँ कितने टाइम। अच्छा टीम रेड विंस। ओके देखते अपना क्या स्कोर हुआ। 6 लोग को ब्लास्ट किया है हमने, 6 राइडर्स को ब्लास्ट किया है। या फिर मेरे को अभी क्लियर नहीं समझ नहीं रहा कि मैं कौन सी टीम में था। सो आई गेस वो अगर चीज़ मुझे पता रहती कि यार मैं ये टीम में हूँ तो शायद और बेटर होता। प्लस मेरे को एक और चीज़ लगी कि यार कंट्रोल्स थोड़े मेरे को गड़बड़ लगे। कंट्रोल्स के हिसाब से मेरे को लगा कि यार थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। फ्रंट पे एक्सेलरेशन रखो, बैक पे डिसेलरेशन, और राइट लेफ्ट पे डायरेक्शन मतलब टर्निंग जो है वो राइट लेफ्ट पे रखो मेरे हिसाब से, तब ये थोड़ा अच्छा रहेगा। ग्राफिक्स वाइज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बड़ी क्यूट सा ग्राफिक स्टाइल है। ओवरऑल इसका जो लुक एंड फील है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और इंडिया से यार बहुत अच्छा एफर्ट है, ऐसा गेम ऐसे ही टाइप के गेम्स और आने चाहिए। डेवलपर्स को और एफर्ट लेना चाहिए ऐसे टाइप की गेम्स बनाने का। यार एफर्ट के लिए मेरी तरफ से 5 सितारे। इम्प्रूवमेंट्स बोले जाए तो कंट्रोल्स डेफिनेटली है। कंट्रोल्स के बाद थोड़ा जो टीम का डिस्प्ले है वो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगा। ऐसा लगा कि यार मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन सी टीम में हूँ। फायरिंग का ठीक है, फायरिंग का वो माउस पे रखा है, अच्छा लगा वो कंट्रोल। दूसरा चीज़ अभी मैं सोच रहा हूँ ये मोबाइल पे कैसे दिखेगा। मोबाइल पे खेलने में थोड़ा सा तकलीफ होगा कि नहीं, पता नहीं कंट्रोल्स कैसे होंगे। यहाँ पे उन्होंने एंड्रॉयड वाली लिंक तो डाल रखी है प्री रजिस्टर पे, वहाँ पे मैंने देखा था जॉयस्टिक डाली उन्होंने। सो आई थिंक जॉयस्टिक कंट्रोल अच्छा रहेगा, और साइड में एक फायर वाला बटन रहेगा वहाँ पे वो गेम अच्छा चलेगा लगता है, क्योंकि जॉयस्टिक वाला कंट्रोल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कीबोर्ड पे मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट यार अच्छा है, इंडिया का गेम है, सपोर्ट करो यार। आप लोग भी जाओ itch.io पे, vksamhit.itch.io/autoraja, ये उस गेम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसके लिए। और आप एंड्रॉयड के लिए भी प्री रजिस्टर करना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्त रहना।